सुहानी मौसम तो आ जाते हैं, लेकिन अपने साथ लेकर आते हैं बहुत सारी भूख। वो क्या है ना कि पूरा दिन शाम वाला माहौल रहता है और हर वक्त ही कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता रहता है। और मेरे तो यही गिले शिकवे रहते हैं इली से। मैं कहता हूँ भाई कोई नई सी डिश निकालो यार जो खा सकें। पूरा पूरा दिन ना आजकल खाना ही खाना चलता रहता है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही चल रहा है आजकल तो कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आप घर में बनाते हैं या बाहर से बनाते हैं। वैसे अगर बाहर से मंगवाते हैं तो चलो चलो कभी तक चलता है, लेकिन अगर आपने घर में अभी तक कुछ ट्राई नहीं ही किया है इतने अच्छे मौसम में, तो मैं कहता हूँ आज ये जो रोड साइड आपको बनकर बाप बना के दिखा रहा हूँ वो ज़रूर ट्राई करेगा, क्योंकि ना बड़ा ही मज़ेदार बना था। और आप ना इसको दो तरीके से बना सकते हैं और वो मैं आखिर में बताऊँगा आपको। वीडियो तो आपने देखते रहनी है आखिर तक। वैसे ये बनाना आसान तो है लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि कभी कभी ना ये जूसर मिक्सर जो है वो बड़ा ही तंग करता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब आपको टीस अच्छा इतना मिल रहा हो तो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। अच्छा भाई ध्यान से मसाले डालना, मैंने ऐसा कहा अपने इली से। इली से कहता हूँ कि भाई अच्छे से मसाले डालो और मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से करना। आप ये मैरिनेशन बड़े अच्छे से करना। उसमें क्या होता है, बहुत सारा मसाला जो होता है ना वो एक जगह नहीं रहता और बहुत ना ज़बरदस्त जायका आ जाता है चीज़ों में, है ना। सही कह रहा हूँ ना, अब सही कह रहा हूँ और आप मानते हैं तो ज़रा जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को। हाँ हाँ, और जा कहाँ रहे हैं, पहले ये तो देख लें कि बर्गर बनाना कैसे है अलग अलग तरीकों से। ये देखिए ज़रा, मैं लेकर आया था अपने लिए ये पैन। इस पैन के अंदर मैंने एक तरफ तो डाल दी कबाब और दूसरी तरफ मैंने डाला अपने बन के ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है ना। अब ये जो कबाब है ना इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा अंडा भी डाल रहा था। मुझे ना अंडे वाला बन बड़ा ही पसंद है। पीछे कॉफी कैट आ गए मिली और पीली, कहते हैं हम यार अंडे वाला बर्गर ही खाएंगे। मैंने कहा चलो चलो और अंडे फोड़ो और अंडों को जल्दी से फेंक लो, ठीक है। वो सारा तो हो गया, आखिर में आई बनाने की बारी बन को। अब आप देखें कि कैसे बना रहा हूँ। वैसे ये वाली जो चटनी मैंने डाली है वो मैं पहले भी बनाकर दिखा चुका हूँ, तो आप आई बटन पे देख लेना, ठीक है ना। और जहाँ तक अलग अलग बर्गर बनाने की बारी है तो वो आप केचप और मेयोनीज डाल के बना सकते हैं। वैसे ये जो अलग वाले बने हैं वो मिली और पिली के हैं, ठीक है ना। और मैं और इली तो ऐसे ही बन कबाब वाली चटनी डाल के खाते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे भैया देसी। अब आप भी अगर देसी हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं।